अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मीडिया लेंस। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शिमशाल वैली में। सुल्ताना नसब के आज हम घर पे मौजूद हैं, तो चलिए सुल्ताना से मिलते हैं। तो आपको भी ये खूबसूरत लगती है ये वैली के नहीं, आप आदी हैं इससे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है और इधर मैं पैदा हुई है तो लाजमी बात है। सही। तो अभी आपने पिछले साल 24 में आपने केटो समिट किया, बिल्कुल। तो थोड़ा उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका। ज़ाहिर है खातून के नाते तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस एरिया को भी हम देखें, ये भी तो पहाड़ी इलाका है। जी बिल्कुल। तो वो जो स्टेमिना दरकार होता है ना एक इंसान के लिए, एक केटो सर करने के लिए, वो आप क्या समझती हैं कि ये इधर रह के चल फिर के आ गया था, नहीं कि कोई खास ट्रेनिंग की थी आपने? फर्स्ट तो मैंने 3 दफा मैंने ट्रेनिंग लिया था ये क्लाइंबिंग का। ठीक। फिर उसके बाद मुझे ये आर्मी लोगों ने स्पॉन्सर किया। हम 6 लड़के थे तो एक ने स्किप किया तो हम 5 रह गए। अच्छा। 5 से मैंने मेरे जो साथी मेरे साथ थी 4 लड़की, तो हम लोग गई तो किसी की तबीयत कैंपन में ख़राब हुई, किसी के कैंपों से वो लोग वापस हुआ। तो अल्लाह ने मेरे साथ दिया तो मेरा सेहत भी ठीक रहे तो मैं गई। केटू भी मेरा समिट हुआ फर्स्ट। ठीक है, आपने बहुत सारे और समिट्स भी किए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केटू के हवाले से तो कैसा लगता है जब आप क्लाइंब करते हैं? तो देखें, हम तो इधर बैठ के सिर्फ देख के डर लगता है हमें, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो कोई खौफ आता है या कैसी फीलिंग होती है? जी बिल्कुल। जब हम लोग, मैं तो फर्स्ट केटू पे जब मैं बहुत खुशी से गई थी, जब हम लोगों ने बेस कैंप में कैंप किया, उसके बाद हम लोगों ने एबीसी गेर वहाँ गई, वहाँ से जब मैंने केटू को देखा तो मुझे मतलब दिल में खौफ आते हैं पर एक हिम्मत भी होते हैं। मैंने कहा कि ये सारे लोग जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। तो इधर हम मतलब ये जिम जाना या और कुछ काम करना मतलब फिटनेस के लिए हम नहीं करते, क्योंकि हम इधर काम करते हैं, क्योंकि हम गांव में बैठते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होते मेरे लिए, क्योंकि मैं इधर खुद काम करती हूँ, ये घर के काम बाहर के काम हम खुद करते हैं, खुद ही करते हैं। जी बिल्कुल। तो जब जैसे जैसे आप कैंप 1 कैंप 2 फिर बॉटल नेक, हमने फिर बहुत सुना बहुत सारे लोग फंस भी गए, मुश्किल का शिकार हुए, तो जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो मतलब डिफरेंट एक तजुर्बा होता है ना, वहाँ पर आपने बर्फ पर चलना है, यहाँ पर तो आप जमीन के ऊपर चलते हैं। जी बिल्कुल। कैंप 1 से कैंप 3 तक बिल्कुल रॉक और आइस मिक्स है। अच्छा। बिल्कुल। तो कदम कदम से मौत भी है, तो किस तरह अपने आप को बचाना है, किस तरह मतलब चलना है, वो पहला तो मैंने बताया कि मैंने 3 दफा ट्रेनिंग लिया है, वो भी मिस मीना बेग और सर मिर्जा अली से। ठीक। तो फिर उसके बाद सर अब्दुल जोशी के नाम भी मैं लूँगी, क्योंकि उसने 2021 में मुझे पशुकॉन्स में मतलब चांस स्पॉन्सर लाया, तो मैंने पशुकॉन्स वो भी फर्स्ट अटेंड में अनक्लाइम था, वो भी मेरा समिट हुआ है। अच्छा, सही। तो इसके अलावा और कितने हुए हैं आपके समिट? तकरीबन 5 हुए, उसके अलावा तो 6-7 मैंने समिट कर लिए। जी बिल्कुल सही। मुस्तकबिल के अभी आपके क्या इरादे हैं, क्या करना है? मुस्तकबिल में ये इरादा है कि बस अगर कुछ अभी मेरा नाम हुआ है, मैं ये सोचते हैं कि अगर मेरा जितना भी सिस्टर लोग मेरे पीछे है, मेरे गांव वाले हैं, बाहर के लोग हैं, तो मेरे मतलब मैं ये सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ से कुछ आए तो मैं उन लोगों का अवेयरनेस दे के, अगर मैंने केटू किया तो वो लोग क्यों नहीं करते, वो लोगों को करना चाहिए आपके। जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब अभी आपका नाम मशहूर हो गया दुनिया में, लोग आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जिधर हैं यहाँ पे तो आप कट ऑफ है, इंटरनेट भी नहीं है और शायद मोबाइल भी कभी काम करता कभी नहीं करता, तो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे? जी बहुत ज्यादा मतलब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिग्नल का इशू है। अच्छा। बहुत ज्यादा है, मेरे मतलब मेरे गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतना बड़ा नाम रोशन किया है पाक आर्मी की, तो वो लोग भी अभी कुछ करे हमारे सिग्नल की वो मतलब एसईओ को हम स्पेशल अपील करें कि वो आपके लिए यहाँ पे कोई इंतजाम करे, जैसे उन्होंने सिकरदू में वो बच्चे के लिए किया था। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मतलब रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमें मतलब हमारे सिग्नल
हमारा रोड भी आप लोगों ने खुद देखा है, फर्स्ट टाइम इधर आए, आप पहले भी आए, मुझे नहीं पता। मैं यही आपसे असल में पूछना चाह रहा था कि आपने केटू सर किया और पहाड़ सर किया, क्या वो मुश्किल है कि इधर जो इस रोड से चल के शिमशाल आना मुश्किल है? शिमशाल आना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा रोड और केटू भी बहुत मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। अच्छा, जब आप गांव में होती हैं तो वो तो एक आपका अलग चैप्टर था, ठीक है, आपने ट्रेनिंग किया, आपने केटू सर किया, बहुत सारे और पीक्स आपने सर किए। यहाँ पे जब होती हैं तो आप खाना पकाना, जो रवायती काम होते हैं जो खवातीन करती हैं, ये सारे करती हैं? जी बिल्कुल, मैंने शादी फर्स्ट मेरा अबू मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर उसके बाद 2021 में मैंने शादी किया। अभी तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे नहीं है मेरे, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हर कदम में मेरे साथ है। अच्छा, सही। जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। सही। तो अभी जहाँ जाना होगा, जहाँ में ये क्लाइंब करना या ट्रेक करना, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ। आपके हस्बैंड तो जाहिर है क्लाइंब नहीं करते हैं ना? नहीं नहीं, वो तो घर के काम काज में साथ देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ कहीं से कहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा। अगर कोई मतलब अभी मैं 2 महीना में मतलब केटू बेस कैंप में था, तो मेरे हस्बैंड अकेले इधर थे, तो उसने सारे काम किया है। तो जब मैं इधर होते तो हम लोगों ने मिलके, दोनों मिलके ये ब्लॉक वगैरह निकाल के, अच्छा, ये भी ये मट्टी से हम लोगों ने निकाला, हम दोनों ने निकाल के मतलब खुद ये बनाया। मतलब तामीर जो एक हम जैसे मिस्त्री बोलते हैं, जी जी बिल्कुल, वो सारा काम भी आपने किया मिलके? हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड ने किया। बस इसके लिए भी आपके लिए जबरदस्त कोई अवार्ड तो बनता है, तो अपनी हाँ ये तो इधर हमारे गांव वाले सारे मतलब ये जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड, हमने कहा कि हम क्यों, पहले तो मैं इतना वो भी नहीं था कि हम कोई लोगों को ला के वो हमें इधर हमारे काम करे, तो इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड साथ ओके ये ब्लॉक वगैरह खुद निकाला हम लोगों ने। अच्छा जी बिल्कुल। और ये आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या? मेरे हस्बैंड पहले कराची में था, तो अभी फिलहाल इधर ही है। इधर ही है? हाँ, जब मैंने शादी किया तो वो इधर ही। अच्छा, तो इधर अब जमींदारी और जो? जी जी बिल्कुल। तो इसी साल हमने मतलब ये कैट बनाया था, ठीक, तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मतलब क्लोज किया। ठीक ठीक। तो जब आप केटू समिट करके आ गए तो गांव वाले खुश हो गए, आपका इस्तकबाल हुआ? जी बिल्कुल, जब मैंने केटू समिट करके सिकरदो पहुंच गई, तो सारे लोग वहां से हमारे रिस्पेक्ट करके हाकी गांव तक, सोस साइड तक, गिलगित। अच्छा। सिकरदो, गिलगित, उंजा आके, गुजाल से लेके सोस तक, यहाँ हम हमारे गांव तक। बहुत शुक्रिया सुल्ताना साहब, आपका हमने टाइम लिया, इस खूबसूरत वादी में सुल्ताना साहिब से आपकी हमने मुलाकात करवाई। इसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करते, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।